मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर का तीसरा भाग आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, तो कौन से क्वेश्चन हैं वो जो पूछे गए हैं देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखो, अभी आपने सीखा कि कोई सी भी डेट निकालना, डेट में डेज निकालना, किसी भी सेंचुरी का हो वो निकालना। अब हम बताएंगे कि कभी कभी कैलेंडर भी अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि कभी सेम कैलेंडर रिपीट होता है या सेम मंथ, जैसे जनवरी में एक तारीख को संडे था, दो तारीख को मंडे था, तो ऐसे ही कोई सेम कैलेंडर बन के आता है। तो कौन सा वो मंथ है जो रिपीट करता है, कौन सा वो ईयर है जो रिपीट करता है अपने आप को, आज उस प्रकार के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा है क्वेश्चन। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका देखो दो मेथड हैं इसके, तो अभी मैं शुरू में पारंपरिक मेथड जो कि ट्रेडिशनल मेथड है उससे चलेंगे, लास्ट में शॉर्टकट, सभी क्वेश्चन का शॉर्टकट लास्ट में बताएं। ठीक है, तो दो मेथड से हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन अभी इस प्रकार है कि उसने बोला है किसी लीप वर्ष में, ठीक है, इन ए लीप ईयर, किसी लीप वर्ष में फरवरी किस महीने जैसी होगी, किस महीने जैसी होगी। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि फरवरी का कैलेंडर किस महीने जैसा होता है लीप वर्ष में। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फिर से वही जो महीना पूछा है उस महीने से लेंगे। पहले मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूँ, समझेंगे ढंग से। तो ये पहले फरवरी लिख देंगे, मार्च लिख देंगे, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ही जहाँ तक आप दिसंबर तक लेसन लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ तक लिखना है और क्या करना है वो देखते हैं। जब उसने पूछा है फरवरी किस महीने जैसी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फरवरी में आपको दिन कितने होते हैं लगा लो। लीप वर्ष में फरवरी का दिन कितना होता है, 29 होता है ना, फरवरी 29 जाती है, तो यहाँ पर 29 लिख देंगे। ठीक है, और ये 31st, 30, 31st, 30, 31st, 31st, 30, 31st, ऐसे ही आप चलेंगे आगे तक। ठीक, और आपको रिमाइंडर ही लिखने होते हैं, ये पता होगा आप लोगों को, 7 चौक 28 और एक रिमाइंडर। ठीक है, 3 रिमाइंडर 2 7 3 2 3 3, 7 का भाग दीजिए, जितना शेष है वो रख देना है, 7 का भाग देना है 31 में, 7 चौक 28 और 3, ऐसे ही करना है और ये लिख देंगे आप। ठीक है, आगे भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं आप। कहाँ तक लिखना है और फरवरी किस महीने जैसे होगी, इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा अब। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो कैलेंडर चैप्टर है 07, 14, 21, जहाँ पर भी शेष फल का योग 0 आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, बस उसके नेक्स्ट वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये मेन है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कब टोटल 0, 7, 14, 21 हो रहा है। तो देखते हैं टोटल करके, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 11 3 14, यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 14, यहाँ पर टोटल क्या हो गया, इन सब को जोड़ के टोटल 14 हो गया। यानी कि अब आंसर आपका नेक्स्ट वाला होगा, तो आंसर क्या होगा, जो फरवरी होगी वो होगी अगस्त जैसी। ठीक है, तो जहाँ पर आपका टोटल हो जाता है 0 7 14 21, इनमें से कुछ भी आ जाता है, उसके नेक्स्ट वाला ही उसका आंसर होगा। तो फरवरी, जो फरवरी होगी वो हमेशा किस जैसी होगी, वो हमेशा अगस्त जैसी होगी लीप वर्ष में। तो फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर मैच करेगा लीप वर्ष में, सेम डेज में जा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करने हैं आपको ये वाले क्वेश्चन, समझ में आया, कुछ नहीं 0 7 14 21 शेष फल कहाँ पर हो रहा है ये देखना है। ठीक, और अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा और इजीनेस रहेगी। क्वेश्चन नंबर एक्स देखेंगे, देखो उसने अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो बोलेगा किसी साधारण वर्ष में
इन ए नॉन लीप ईयर, ठीक है, साधारण वर्ष में जनवरी में जनवरी किस महीने जैसी होगी, किस महीने जैसी होगी। तो कभी कभी कैलेंडर अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो कह रहा है कि इन नॉन लीप ईयर, ठीक है, जनवरी सेम, ठीक है, जनवरी किस जैसी होगी, ठीक है। तो साधारण वर्ष में जनवरी कैसे होगी, इसके लिए आपको फिर वही करना है, इसके लिए फिर से यही चलना होगा, आपको जनवरी से स्टार्ट करना होगा जहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ तक लिखना है दिसंबर तक लिख लीजिए पूरे पहले ही, ठीक है। रिमाइंडर की बात की थी तो जनवरी आपको पता है 31 जाती है, फरवरी आपको साधारण वर्ष में फरवरी 28 जाती है, और ये 31-30, फिर वही 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, अगस्त भी 31 जाता है, जुलाई अगस्त 31-31, ठीक है, और ये 30, फिर 31, फिर 30, और ये 31। अब आपको फिर वही करना है कि कहाँ पर टोटल जीरो हो जाए या सात हो जाए, 14 हो जाए, ये देखना है। तो देखते हैं पहले रिमाइंडर देख के, 7 के 21 और 7 को 28 3, 7 को 28 0, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, और ये 3, कहाँ पर टोटल 0, 7, 14, 21 हो जाएगा, देखते हैं। 3 और 3 6, और 2 8, और 3 11, 2 13, देखो 0 और 7 कहीं पर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर 0 तो आएंगे नहीं, 3 और 3 6, और 2 8, 7 भी नहीं आया, यहाँ पर 8 आ गया, 8 और 3 11, और 2 13, और 3 16, और 3 19, और 2 21, 21 यहाँ पर टोटल आ गया 21, ठीक है। तो यानी कि जो जनवरी होगी, जनवरी होगी वो सेम होगी इसके नेक्स्ट वाला, बिल्कुल ये बॉर्ड जो ये लाइन खींच दी है जहाँ पर टोटल 21 हो गया था, उसके नेक्स्ट वाला कौन सा महीना है, अक्टूबर है। तो जनवरी हमेशा अक्टूबर जैसे होती है साधारण वर्ष में, सेम मंथ और सेम डेज आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्रेडिशनल मेथड से कर लेना है, ठीक है। बाद में लास्ट में देखेंगे इनका सॉल्यूशन और छोटे से, लेकिन आपको समझ में आ रहा है केवल डेज लिख देने हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें ये मिल जाए 0, 7, 14, 21, ये टोटल मिल जाए हमें कहीं पर भी, उसके नेक्स्ट वाला इसका आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। आपको एक्सरसाइज कोई बुक होगी आप पे, आप उससे क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये तो मंथ की बात थी, मंथ अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ईयर अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता है, होता है कभी कभी कि कोई साल पूरा साल सेम जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें कैसे करने हो क्वेश्चन, देखते हैं उनको, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो कैलेंडर चैप्टर में ये यहाँ से क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है, तो आप इसको इतनी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको खाली शेष पर लिखने होते हैं और आपको ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जो लोग शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ साल वाले, ठीक है, अभी देखेंगे, वो कहेगा आपको एक क्वेश्चन आएगा। अब साल रिपीट कैसे करते हैं, देखो वर्ष 1997, ईयर 1997, वर्ष 1997 किस वर्ष जैसा होगा, किस वर्ष जैसा होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है इस समय कि 1997 किस साल जैसा होगा, तो इसको कैसे करते हैं। अब साल भी अपने आप रिपीट करेंगे, इसके भी मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पेन चलाने जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पहले इसका लॉन्ग देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो किस वर्ष जैसा होगा, तो आपको जहाँ से दे रखा है, जैसे उसमें क्या था ना, हमने मंथ से जाओ जो पूछा था वहीं शुरू, यहाँ पर आप 1997 लिख देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 98, फिर 99, फिर 2000, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब कहाँ तक लिखना है देखते हैं। कहीं पर भी टोटल हमारा क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, ये चार नंबर कहीं पर हमें मिल जाते हैं, तो उसके नेक्स्ट वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। ये 1997 कैसा ईयर है बताओ, नॉन लीप है कि लीप है, ये नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है ये, तो इसमें रिमाइंडर एक आता है, मैंने आपको बताया था कि देखो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में
क्या होता है, 365 दिन होते हैं, 7 का भाग देने पर एक शेष बचता है। और लीप वर्ष में मैं आपको बताया था 366 डे होते हैं, 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचता है। तो यही आपको दिखना है कि अगर नॉन लीप है तो 1 और लीप है तो 2 लिखना है। तो ये भी नॉन लीप है, ये भी नॉन लीप है, ये लीप है भाई, 2 इसलिए आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसे आप करेंगे। लेकिन हमें टोटल चाहिए 07, 14, 21। देखते हैं, 1 और 1 2 और 1 3, 2 5, 1 6 और 1 7। यहाँ पर टोटल हमारा क्या होता है, यहाँ पर टोटल हमारा 7 हो रहा है अभी, ठीक है। तो 7 जहाँ पर टोटल 07, 14, 21 हो जाए, उसके नेक्स्ट वाला आपका आंसर होगा, यानी कि 1997 जो होगा ऑलवेज उसका कैलेंडर 2003 जैसा होगा, ठीक है। जहाँ पर ये हो जाए उसके नेक्स्ट वाला ही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 2003। तो वर्ष 1997 2003 जैसा था भाई, वर्ष 1997 2003 जैसा था, ठीक। समझ में आ गया आपको? तो वही मेथड है जो इससे पहले क्या था, लेकिन अभी ये लॉन्ग मेथड है, अभी मैं इसको सॉल्व कर बता दूंगा आपको। लेकिन अभी देखो भाई, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1998 किस वर्ष जैसा होगा, किस वर्ष जैसा होगा, तो आप फिर से वही कीजिए, 98 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, 2000 लिखेंगे, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ऐसे आप लिख लेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि अब क्वेश्चन आ जाएगा। तो नॉन लीप है 98, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 और 2 और 1, ऐसे ही लिखते जाएंगे आप, ठीक है, जहाँ तक आपको लगता है कि आंसर मिल जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मुझे फिर से 07, 14, 21 करना होगा, कहीं पर टोटल मिल जाए मुझे 07, 14, 21। 1 और 2 और 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर मुझे मिल गया है टोटल, यहाँ पर मुझे मिल गया है, और इसके अनुसार मेरा आंसर आ रहा है 1998 कैसा होगा, 2004 जैसा होगा। लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है, क्योंकि आप देखो खुद कि 2004 कैसा है, लीप वर्ष है, 2004 कैसा है, लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, और 1998 नॉन लीप ईयर है, क्या है, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर जैसा हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पहले ही अपने आपने विरोधाभास है इसमें, कि 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, 366 होते हैं लीप वर्ष में, ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो जब ये तो पहली बार चल रहा है, लेकिन हमारा रूल फेल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, जो बताया वही रहेगा, लेकिन फिलहाल 1998 2004 जैसा हो ही नहीं सकता, इतना लॉजिक तो होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पर वो आंसर मिलेगा हमें और क्या होगा, तो 1 और 2 2 4 2 6 7 और 2 9 1 10 1 11 12 और 2 13 1 14, यहाँ पर मिल रहा है मुझे 14 फिर से, ठीक है। दोबारा देखेंगे, 1 और 2 2 4 5 6 7 और 2 9 1 10 1 11 12 और 2 14, यहाँ पर आ रहा है 14, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अनुसार मेरा आंसर आ रहा है, 1998 का कैलेंडर हमेशा 2009 जैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, 2009 जैसा होगा 1998 का कैलेंडर। यहाँ पर 2004 आ रहा था, लेकिन वो नहीं हो सकता ना, लीप वर्ष है वो, ठीक है, या इसलिए आगे बढ़ेंगे और वो 07, 14, 21 को प्राप्त करेंगे। इस तरह से आंसर 2009 हो रहा है, लेकिन ऐसे कब तक करेंगे भी, बात है ना, यहाँ पर नंबर और आगे चले गए तो टाइम जा रहा है इसमें। तो इसको शॉर्टकट कैसे है, देखो शॉर्टकट जिन क्वेश्चन को हमने किया है उन्हीं को हम करते हैं, शॉर्टकट कैसे करना है इन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो भाई। तो एक नंबर आता कर लीजिए आप लोग, ये इतने में हो जाएगा, जो लॉजिक आप समझाने वाला हूँ शॉर्टकट वो यही देख लीजिएगा, क्या लिखा है मैंने, 6, और ये 6, ठीक है। तो इसको पहले पूरा लिख देंगे, देखो भाई इसका मतलब है +1 कंडीशन +2 कंडीशन +3 कंडीशन और +4 कंडीशन, ठीक है। ये 4 जो नंबर है आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई। तो ये है 6, ये क्या लिखा है मैंने 11, ये मैंने 11,
तो इनको जोड़िए कितना होता है ये 11 11 22 और 6 28, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे आप, ठीक है, हो जाएंगे याद 6 11 11 28, तो देखो 6 11 11 तो कितना हो गया सबको जोड़ के 28 हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो अब देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन को इन मेथड से देखते हैं। तो आपको पूछा गया है कि 1997 किस वर्ष जैसा होगा, अगर आपको इससे करना है, इस ट्रिक से करना है आपको, तो कैसे होगा 1997 किस वर्ष जैसा होगा, तो आप देखेंगे 1997 कौन सी कंडीशन में आता है भाई, 1997 से पहले लीप वर्ष कौन सा था भाई, 1997 से पहले 1996 रहा होगा जो कि लीप ईयर था, ठीक है। तो ये जो लिखा रखा है ये इसी लिखा रखा है कि जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन आपको है वो कौन सी कंडीशन है, तो ये प्लस वन कंडीशन है भाई, क्योंकि 1997 क्या है, लीप वर्ष में एक जोड़ के आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो लीप वर्ष के एक साल बाद वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा, लीप वर्ष के कोई एक साल बाद वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें 6 जोड़ देना है, तो 1997 क्या है, लीप वर्ष के एक साल बाद की कंडीशन है, इसलिए इसमें 6 जोड़ना है। तो आप ऐसे कर दीजिए 1997 में आप 6 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 1998 1999 2000 और 2001, ये आएगा 2003। तो 1997 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 2003 आ जाएगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपको याद होना चाहिए 6 11 11 28, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको चेक करनी, देखो वही आंसर आया जो अभी आया था, तो आपको इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिमाइंडर वगैरह, सीधा आपको ध्यान देना है कि अगर जो भी क्वेश्चन दिया है उसने आपको, कोई भी सन दिया है उससे पहले लीप वर्ष कब था लिख लीजिए, तो 1997 था उससे पहले लीप वर्ष कब था 1996 था, यानी कि लीप वर्ष के एक साल बाद वाला अगर क्वेश्चन कोई दिया है तो 6 जोड़ना है। अब ये देख लीजिए इसको भी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी थी, आप देखें कैसे करना है इसको। 1998 तो 1998 कौन सी कंडीशन क्वेश्चन है, 1998 ये वाली कंडीशन क्वेश्चन है भाई, क्योंकि 1998 से दो साल पहले क्या था, लीप वर्ष था, तो वही तो है कि लीप वर्ष कब था, दो साल पहले, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया है दो साल बाद का दिया है ना, अगर लीप वर्ष के दो साल बाद का कोई क्वेश्चन आता है उसमें 11 जोड़ना है, तो 1998 में आप 11 जोड़ दीजिए कितना आएगा, ये आएगा सीधा 2009। तो इस बार आपको इतनी कोई प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ी, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा 2009, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है 6 11 11 28, समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले लेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया उसने कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि सन 2008 किस वर्ष जैसा होगा, किस वर्ष जैसा होगा, ठीक है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि 2008 से पहले लीप वर्ष कौन सा था, 2004 था ना, और 2008 भी लीप वर्ष है भाई, तो लीप वर्ष अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है, ये बता रहा है आपको कि लीप वर्ष जो भी होगा उसमें 28 जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो 2008 में 28 जोड़ दीजिए आप, 2008 में आप 28 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो, 36 आएगा, क्या आएगा 2036 आएगा ये, तो 2036 जैसा होगा 2008, ठीक है, तो 2008 के जैसा 2036 का कैलेंडर होगा, ठीक है। तो लीप वर्ष में आपको 28 जोड़ देना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 11 11 28 आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन सा साल अपने आपको कब रिपीट करेगा, इसके लिए आपको 6 11 11 28 ध्यान रखना है, ठीक है, याद करना भी सरल है, 6 11 11 इन सबको जोड़ के 28 आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन लीप वर्ष के एक साल बाद का रहता है तो उसमें आपने 6 जोड़ना है, कोई दो साल बाद का रहता है तो 11 जोड़ना है, तीन साल बाद में 11 जोड़ना है, और ये आपका 28 जोड़ देना है। इस तरह से आपके ये सेम ईयर सेम मंथ वाले क्वेश्चन, रिपीट वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं इससे कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और आजकल आप घरों में हैं तो आप अपने नोट्स आराम से बनाएंगे, ठीक है, हमें भी थोड़ा टाइम मिला है इस बीच आपके लिए वीडियो बनाने का, ठीक, तो आप लोग इसको नोट्स बनाइए अपने, अगली वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।